देखो हम लोगों को गायरोस्कोप की ताकत पता है भाई, गायरोस्कोप कितना पावरफुल है, लेकिन गायरोस्कोप क्या जरूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 99% प्रो प्लेयर्स गायरोस्कोप यूज करते हैं। और सबसे पहले तो ये बताओ, ये बास्केटबॉल कौन खेल रहा है भाई पबजी में? ये और इसके सिर पे ये हेलीकॉप्टर क्यों लगा हुआ है भाई? डोरेमोन देख के आया क्या भाई ये? पबजी में बास्केटबॉल कब आ गया भाई? इसका सेंस भी है। अरे सही है भाई, दिस इज एक्चुअली पबजी की दुनिया गाइस, ऐसी होनी चाहिए थी। बट उसके बदले में अब यहाँ पे लोग दूसरे को मारने, ये देखो ये प्लेयर आया है, देखो ये है असली पबजी की दुनिया जहाँ पे गोलियां बरसती है भाई, यहाँ पे बास्केटबॉल नहीं खेला जाता। आराम से भाई आप नॉक फिनिश हो जाओगे, खुद भी आप खुद भी मरोगे, ये खुद भी मरेगा अगर एक नहीं बच गया। बच गया, मुझे लगा था फिनिश हो जाएगा भाई जैसे उड़ के जा रहा था यहाँ पर। ये कहाँ से कहाँ? क्या अभी बीच में टूर्नामेंट खेल के रोज 5 लाख रुपए तक जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट को एंड तक देखना। ए भाई बताना भाई 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 मेरा भाई। तो ये ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। इस ऐप में 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड से और 10 करोड़ से ज्यादा विनिंग से बांट चुके हैं अभी तक भाई। इस ऐप की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिल जाते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट्स जिसमें वेटिंग टाइम है सिर्फ 0 मिनट्स। और इस ऐप में कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, बस हमने क्लासिक रैंक खेलो जैसे कि रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल्स को डिटेक्ट करके उसमें से पैसे दे देगा। तो यहाँ से तो भाई रोज बीच में खेल के रोज पैसे जीतना बिल्कुल गारंटीड है भाई। और तो सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट सिस्टम इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे रखा है, वहां से आप जाके डाउनलोड करो और पहले 1000 यूजर्स को मिलेगा 600 रुपए तक का बोनस, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो भी पैसे आप जीतते हो उसे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और कोई भी यूपीआई ऐप से इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, अभी जाके डाउनलोड करो पड़ापट से और जीतो 50,000 रुपए तक डेली। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। लुक एट दिस। अरे भाई, अरे जादूगर एक्टर भाई। इंसान खुश होके रोए। ओके यहाँ पर एक बंदा सीढ़ियो के ऊपर बैठ करके नीड पुल करके बैठा है, वेट कर रहा है एनिमी के आने का। भाई क्या कर रहा है? फेंका नीड पीछे ही। ओ ओ ओ हाँ। अबे ओ हाँ। दोनों कितने बंदे फोड़ दिए भाई इसने? ऑलरेडी हो गई क्या? कितने किल कर रहे यहाँ पर इसने? 3 या 4 पता नहीं, शायद से 3 फिनिश करे ना। क्या ही नीड फेंका भाई, एक ग्रेनेड में साफ भाई पूरी लाइनअप। यहाँ पर एक प्लेयर आया, इसके पास M16 है। देखो M16 तो पता है यार, M2 फोड़ना ही भाई साहब, जब तक 150 गोली खत्म नहीं होगी नहीं मारता रहेगा भैया। फ्री फायर कैसा है ये? रुक जा, वो रुक, फाइनली रुक। बंदे ने 150 गोलियां मारी मतलब, बट क्यों भाई? बंदा फ्री फायर मारता पागल हो गया भाई। अरे अरे भाई, ये भी गलत स्नाइपिंग कर रहा है, पर पिछले वाले के लिए पागल ही थे वो तो बंदा, फ्री फायर के चक्कर में जो गया भाई। यहाँ पर एक भाई, प्यार मोहब्बत हो रहा है गेम में, ये क्या है भाई? ये क्या स्किन है? अरे अरे प्ले बॉय मटेरियल भाई, गलत लेवल का। ओके यहाँ पर एक प्लेयर आया M24 के साथ भाई। किसे मारा किसे? कमेंट सेक्शन में बताओ मारा किसे, मेरे को समझा नहीं। यहाँ पर एक प्लेयर आया M249 लेकर के, आज तो वक्त जल्द जिंदगी बदल दें एनिमी का। लेट्स गो बॉय, दूसरे वाले को पीछे मारा, आगे भागता हुआ जा रहा भाई, आज तो फुल फॉर्म में आया भाई। लेट्स गो, 1 HP में चाकू मार दिया। अरे इसी तैसी नूबड़ी के एनिमीज की, लेट्स गो बॉय। अरे अरे भाई भाई, लौंडा फुल फॉर्म में आया भाई, बहुत गलत मार रहा उठा करके। ओके यहाँ पर एक प्लेयर आया, इसके पास AWM है, टेलीपोर्ट मार के बगल वाली बिल्डिंग में आया, एकदम छत पे चढ़ाए। ओ ओ भाई, ये बढ़िया था यार, ये बढ़िया था। ओके ये क्या क्लिप्स देख रहा हूँ भाई, आज तो लोग सारे प्रो प्लेयर्स आ गए भाई हमारे गेम में, सारे प्रो प्लेयर्स की क्लिप पे गाइस आज। अरे भाई भाई भाई, क्या हेडशॉट पड़ रहे हैं? अरे भाई साहब, बैक टू बैक हेडशॉट। क्या करना चाह रहा है? एयर ड्रॉप पे उड़ के जाएगा क्या ये? अरे यार, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मुझे लगा था ये आसमान में लूटता हो, नीचे गिरते बंदे को मारेगा, एकदम अलग लेवल का ट्रिक शॉट मारेगा, बट नेवर माइंड। लॉबी जाओगे बेटा, लॉबी जाओगे आप। ओयो
यहाँ पर भाई आया फ्लेयर ड्रॉप के पास, बाइसन है, अरे अरे गोलियां पड़नी चालू होगी राइट साइड से, बट भाई की डेस्परेशन है अलग लेवल की। नहीं भाई मुकलो ग्रोसा वाले को बाइसन वाला मार देगा, बट एनीवेज इसको तो मुक्का मुक्का मार रहे भाई, इतनी बेइज्जती भाई बदला लेने आया। अरे अरे उसको नॉक कर काट दिया भाई, एक एक को ढूंढ के पेला है। अरे अरे यहाँ पर एक प्लेयर आया, इसके पास फ्रैग ग्रेनेड है, साथ में एक एम और एम4 कॉम्बो, क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहते हो मेरे भाई, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों भोग कैंपर, ये क्या था, वो बंदा हुआ तब से छुप के बैठा है भाई। ओके यहाँ पर एक प्लेयर आया भाई, ये बाप है, ये बाप भाई, S2G के सारे प्लेयर ही पागल वाली स्वाइपिंग करते हैं, एक स्टार की लाइन अप और एक S2G की लाइन अप, ये सारे प्लेयर्स बहुत बाप है, क्या ही मारते हैं भाई, वो रश करने वाले भाई, वो रश करने वाले भाई, नेड ओ एनिमीज ने रश कर दिया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, मुझे समझ नहीं भाई, किसने फोड़ दिया किसको भाई, कुछ तो गजब ही हो गया, पता नहीं भाई, ये बंदा क्लोजेट में बंदों को भाई AWM चिपका रहा है। यहाँ पर एक प्लेयर आया AWM लेकर के, सामने दूर बंदे भागते हुए दिख रहे हैं, भाई ने AWM निकाल लिया, आज तो वक्त बाद जिंदगी बदल देंगे एनिमीज का, लेट्स गो बॉय, ये वाला भाई प्रो स्वैग वाला स्किल भाई, रिवाइव होता क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा किसी और को रिवाइव दे रहा है, ओ इसके टीममेट आ रहे हैं, इसके टीममेट आ रहे, देखो दोस्ती हो तो ऐसी उड़ना ना हो भाई, देखो क्या प्यारे टीममेट से बचाने के लिए आ रहे भाई को, लेकिन हमारा एक टीममेट होता है भाई, हमें मरने के लिए छोड़ देता है, बट ये तो ऐसे ही मर जाएगा, ये नहीं बचेगा, क्या ये बचेगा, वो HP बच गया भाई, भाई 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 बच गया भाई, वन HP रशवा भाई के ऊपर फुल हाई लेवल का, ऊपर से ही बंदा आ रहे, राइट से ही बंदा आ रहे, नीचे से ही बंदा आ रहे, अरे अरे वाह किल की मुख कैडी का लालच है, एनिमीज को पागल वाला फुल घुस रहे, ओ डिलीट कर दिया भाई। ओके भाई फुल फॉर्म में एवल ऑनडा, आज तो क्लच ही करके जाएगा, ऐसी तैसी कर देंगे एनिमीज की, लेट्स गो बॉय, नो स्कोप, लेट्स गो, व्हेन इट कम्स टू फिट्स भैया, ये प्लेयर बिना गायरोस्कोप के पबजी खेलता है, एंड आई नो तुमको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बंदा मल्टीपल टाइम्स ट्रिपल कॉन्कर जा चुका है, FPP TPP हर जगह कॉन्कर जा चुका है, वो भी साथ में, मतलब TPP FPP हर जगह सोलो स्क्वाड हर जगह साथ में कॉन्कर गया, ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्या गायरो जरूरी है, देखो मेरे अकॉर्डिंग जैसे पहली बात तो देखो, अगर तुम एक आईपैड प्लेयर हो, क्योंकि देखो एक अथीना भी कैसे प्लेयर था, अथीना वॉज ऑल्सो नॉन गायरो प्लेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो वो गायरो बना कि नहीं, एंड इवन फिट्स इज नॉट गायरो, तुम देखो भाई साहब इनका गेम प्ले क्या बाप लेवल का होता है, अगर तुम एक आईपैड प्लेयर हो तो आई डोंट थिंक सो कि गायरो उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास इतनी बड़ी स्क्रीन है खेलने के लिए, तो तुम उसमें आराम से अपने यू नो थंब सेट करके मार सकते हो बंदों को, तो तुम इसमें यू नो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को प्रो लेवल पे खेल सकते हो, बट अगर तुमको एक फोन में खेलना है तो IPL उधर अगर तुम्हें एक अच्छा प्लेयर बनना है तो तुम्हें गायरोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है भाई, बहुत बाप लेवल की, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, उसमें बंदे ही नहीं दिखते एक तो तमीज़ से, और साथ में तुम्हारी अगर उंगली भी स्क्रीन के ऊपर आ गई और एम करना तो और भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव होती है स्किन, हल्का सा भी थंब राइट लेफ्ट हुआ कि जिंदगी के लग जाने हैं, बट एट द सेम टाइम क्लोज रेंज के लिए मेरे को लगता है कि फ़ोन के अंदर नॉन गायरोस्कोप इज एक्चुअली बेटर कंपेयर टू लॉन्ग रेंज, क्यों, क्योंकि तुम अगर सेंसिटिविटी अपने यू नो क्लोज रेंज की नॉन ADS वाली और यू नो हिप फायर वाली सही कर लो तो तुम्हें गायरोस्कोप जरूरत नहीं है क्लोज रेंज की फाइट में, देखो लॉन्ग रेंज में तुम्हें चाहिए ही पड़ेगा, मतलब आई डोंट थिंक सो तुम अच्छे स्प्रे मार सकते हो बिना गायरोस्कोप के, बट क्लोज रेंज फाइट तुम बाप लेवल की कर सकते हो बिना गायरोस्कोप के, उतना तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पर्सनली गायरोस्कोप होते हुए भी क्लोज रेंज की फाइट में थंब यूज करता था, समझ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई अगर तुम्हें क्लोज रेंज बाप प्लेयर बनना है तो गायरोस्कोप जरूरी नहीं है, बट लॉन्ग रेंज के लिए 100% यू नीड इट, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, बट क्लोज रेंज के लिए तुम्हें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि तुम्हारा एम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, टकले पे जाना चाहिए भाई, वो इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर तुम गायरोस्कोप से मार रहे हो थंब से मार रहे हो, बट आईपैड में ना भाई तुम कैसे भी मार सकते हो, समझ रहे हो, कैसे भी खेल सकते हो, गायरोस्कोप की जरूरत ही नहीं भाई, बंदे को तुम भगा भगा के मारोगे आप, इंसान का वक्त बाद जिंदगी बदल जाएगा। ओके जैसे यहाँ पे देखो पूरे बंदे मुंह पे आ रहे, अरे अरे बिचारों को लैंड भी नहीं करते, आधे रास्ते में बिचारों की पतंगे काट रहे फिट्स भैया यहाँ पर,
तुम लैंड होगे उससे पहले बेटा, तुम लैंड होगे लॉबी पहुंच जाओगे। राइट साइड से बंदा आ रहा है। फिट्स का टीममेट बहुत खुश है भाई, ऐसे ही जा रहा है। अरे नंबर टू फिनिश हो जाएगा। फिट्स भैया फुल फॉर्म में आ रखे क्लच करने के लिए। वो भाग गया डर के मारे। फिट्स भैया आए, स्कूल की फाइट आ रही है सामने भाई। ये क्रो वाली आउटफिट है ना यार, ये क्रो वाली आउटफिट बोलो तो बेस्ट आउटफिट है गेम में भाई, छूट नहीं आ रहा भाई, बहुत बाप है। पता नहीं यार वापस डाली नहीं पबजी ने कभी। फुल सेट को 10 बार लिया, एक क्रो वाली को लाए नहीं। पता नहीं यार क्रो वाली भी आनी चाहिए थी वापस से एक बार, बहुत बाप आउटफिट थी। ओ बढ़िया नॉक एनिमी। भाई 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 क्या एंगल बनाया फिट्स ने यहाँ पर, हाई आईक्यू गेम प्ले भाई। एनिमी चल के रश कर रहा है भाई, एनिमी को किल का वो केडी का। फिट्स भैया ये पैन लगा है, पैन लगना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग यार। तो पता नहीं है मेरे को तो लगा पैन लगा है भाई, पता नहीं लगना तो चाहिए था, वो रजिस्टर नहीं है। ओ अरे अरे बेचारा डांस इंडिया डांस बन गया भाई वो तो। एनीवेज राइट साइड में भाई फुल बंदे भागते हुए आ रहे हैं, ओपन बंदे दिख रहे हैं फिट्स को। इसको तो फिनिश करा है एनिमीज फुल, वो डांस ग्रेनेड का यूज करते हैं। बंदे ऊपर जा रहे हैं, फिट्स को स्पॉट कर दिया है, बहुत डैमेज पड़ा है। आ गया भाई, लेट्स गो बॉय। भाई एनिमी एक गोली नहीं मार पाया रे फिट्स को, ये क्या कर रहे हैं रे, पैनिक हो गए शायद से एनिमीज। अरे भाई साहब क्या पेलम पाली चल रही है रे। टीममेट सेव, चलो अच्छी बात है, हमारा टीममेट तो मरने के लिए छोड़ दे भाई, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बोले अरे मर जा नूब बड़ी के किसी काम का नहीं है, नल्ला दो केड़ी का बॉट। भाई यहाँ तो फुल पागल वाला रश हो रहा है शायद से। गायरोस्कोप लेके, सॉरी गायरोस्कोप क्या, ग्रोजा लेके एनिमीज आ रहे हैं। ओके ऊपर बंदा दिखा, एक एंगल बनाने का ट्राई कर रहे फिट्स भैया, शायद से वापस टेलीपोर्ट मार के आगे जाएंगे। लेट्स गो धप्पा भाई, लिटरली धप्पा। अरे क्या चल रहा है ये, फिट्स भैया फुल फॉर्म में आ गए भाई, क्या देख रहा हूं मैं ये भाई साहब। बाप लेवल का क्लच भाई, बाप लेवल का 1v3 है ये, क्या ही देख लिया मैंने भाई। अरे यार क्या बाप लेवल का 1v3 था। तुम कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम गायरोस्कोप यूज करते हो कि नहीं। मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड पीस आउट।